ओम नमः शिवाय। वेलकम टू द सात्विक प्लेटर फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। बट उसको जैसे ज़्यादातर लोग जो है वो डबल लेयरिंग से बनाते हैं, पर हम बनाएंगे एकदम भर के। और सबसे पहले इसके लिए हम मूली को घिस लेंगे, धो लेंगे, एंड इसके बाद इसमें नमक मिला के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, लगभग 10 मिनट। और ये छोड़ने के बाद हम इसका पानी निकाल लेंगे। इसमें हम धनिया मिक्स कर लेंगे, धनिया को छोटे बारीक बारीक काट लेंगे और हरी मिर्च को, और इसमें थोड़ा सा हम अदरक घिस लेंगे। इसके बाद नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और इसमें छौंक लगाएंगे सरसों के तेल का, अजवाइन का और जखिया का, और थोड़ा सा एक छोटा चम्मच हल्दी का हम छौंक लगाएंगे। छौंक को लगाने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब पानी को जो है हमने तो अलग कर दिया है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी पानी कुछ रह जाता है तो उसमें हम एक चम्मच आटा मिला देंगे। आटा मिलाने से पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा इसमें। और अगर आपको लगता है कि फिर भी थोड़ा गीला है तो इसको थोड़ा सा और पानी निकाल के हल्का सा आटा और मिक्स कर दीजिए। इससे आपके जो मूली है वो बिल्कुल सूखे हो जाएंगे। आटा मैंने पहले लगा दिया था, ये मैंने रागी का आटा लगाया हुआ है। तो वैसे पराठे के लिए हमें थोड़ा सख्त आटा चाहिए था, लेकिन मुझे आदत है थोड़ा सा मल्टीग्रेन की, तो मैंने ये रागी और जो है गेहूं के आटे को मिक्स करके बनाया था। अच्छा, इसमें मैंने लोई अभी भर दी है, लोई में ये स्टफिंग भर दिया है। इसको इस तरह से थोड़ा सा मोमो के शेप में करके साइड का आटा हटा दिया है। इसको आप लोग नॉर्मली जैसे हम लोग आलू के पराठे में भरते हैं वैसे ही भर सकते हैं, पर इस तरह से भरने से ये मतलब इसके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। अच्छा, आप अब इसमें परथन लगाएंगे। परथन लगाने के बाद इसको अच्छे तरह से हाथ से सबसे ज़्यादा कोशिश कीजिएगा फैलाने की। अगर आप इसको अच्छे से हाथ से फैलाओगे और आधे से ज़्यादा रोटी आप हाथ से फैला दोगे तो ये फटने के जो इसके चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा लो होंगे, नहीं फटेंगे। और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बेलिएगा, देख लीजिए दोनों साइड से कितने प्यार से मिला है, कहीं से भी एक्स्ट्रा मूली नहीं निकल रही है। अब इसको मैंने देसी घी में सेक दिया है, और अच्छे से इसको आप पलटे से दबा दबा के सेकिएगा, बहुत अच्छे से बनेगा ये। पूरी तरह पूरे पराठे में ये जो मूली है वो स्टफिंग स्प्रेड हो जाएगा। आप इसको काट के मैंने शुरू में दिखाया था, पूरे अच्छे से इसकी स्टफिंग जो है स्प्रेड हो रखी है। इसी तरह से हम और पराठे बना लेंगे, बिल्कुल गोल गोल पराठे बनेंगे इसके, और कहीं से आपका मूली फट के ना कोई गंदगी होगी ना कुछ होगा। और देख लीजिए किसने कुरकुरे पराठे ये जो है तैयार हो गए। इसको हम दही के साथ, चटनी, मक्खन, अचार, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर लेंगे। ये मैं टेस्ट कर लेती हूँ, बहुत ही यम्मी बना है। ओके, सी यू, हर हर महादेव, टेक केयर।